सबास बेस्ट क्लासेस में मैं आज आपको अरबियन मंदी बनाना बता रही हूँ। तो इस मंदी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन के इस तरह से बड़े बड़े पीसेस लिए और उन्हें बीच में से कट्स मार लिए ताकि मसाले अंदर तक अच्छी तरह से पहुंच पाए। तो देखिए, मसालों में हम 1.5 टीस्पून जीरा ले रहे हैं, आधा टी स्पून हल्दी ली और 1 टेबल स्पून मैंने सौंठ लेना है, और देखिए 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया, जायफल पाव लेना है हमको, और 6 से 7 लौंग लेना है, और देखिए 5 इंच का हलमी यानी दारचीनी के टुकड़ा है। इन सभी को आप पीस लीजिए। देखिए इसे मैंने पीस लिया है, तो मैंने 2 टेबल स्पून ये मसाला डाला और उसके अंदर 1 टेबल स्पून तेल डालकर हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें 1/4 कप विनेगर या फिर आधा कप नींबू डालकर मिक्स कीजिए और इसे आप चिकन पर लगा दीजिए। चिकन पर आप इसे अच्छी तरह से लगाइए और लगाकर आप इसे 1 घंटे के लिए रखिए, और साथ ही हम पहले इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक लगाकर और ये सारे मसाले लगाकर हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे बाद एक पैन को गर्म कीजिए और उस पर थोड़ा सा तेल डालकर आप ये जो चिकन के पीसेस है उसे हाई हीट पर थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए ताकि ये ऊपर से सील हो जाए। देखिए जब ये इस तरह से लाइट ब्राउन होने लगेंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए बघार के लिए ये सिनेमन लिया मैंने, और ये 3 तेज पत्ते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च और 10 हरी इलायची है, और देखिए ये 6-7 लौंग हैं। अब ये एक बड़ी प्याज कटी हुई है, आप चाहें तो 2 छोटी प्याज भी ले सकती हैं, और 3 टमाटर हैं कटे हुए। अब हम जिस बर्तन में मंदी बनाना है उसमें आधा कप घी गरम करेंगे और साथ ही हम आधा कप तेल भी इसमें डाल देंगे। अब मैंने इसमें हरी इलायची को खोल कर डाल देना है ताकि फ्लेवर सारा इसमें तेल में आ जाए, और फिर मैंने काली मिर्च डाल दी और फिर ये सिनेमन यानी दारचीनी का टुकड़ा जो 2 इंच का था वो डाल दिया, तेज पत्ते लौंग भी डाल दिए, और इसे आप फ्राई कीजिए। साथ में आप प्याज को भी फ्राई कर लीजिए। देखिए ये मेरे पास सूखी लाल मिर्च है, ये मैं इसे तोड़कर डाल दूंगी। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से हमारी मंदी बड़ी खूबसूरत लगेगी और जो भी चीज दिखने में खूबसूरत हो तो वो टेस्ट में भी हमको अच्छी ही लगती है। तो देखिए मैंने इसे तोड़ लिया है, अब मैं इसे ऑयल में डाल दूंगी, इससे फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और इससे मंदी की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। तो अब इसे फ्राई कीजिए और फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। अब हम ये इन सभी चीजों को हम तेज आंच पर पका रहे हैं। अब देखिए जो मंदी का मसाला बचा हुआ था वो 1.5 चमचा मैंने इसमें डाल दिया, यानी 1.5 टीस्पून मैंने मंदी का जो बचा हुआ मसाला हमने पहले पीसा था वो हमने इसमें डाल दिया। अब हल्दी डाल दीजिए आधा टी स्पून, अब देखिए हमने जो चिकन के पीसेस फ्राई करके रखे थे वो पीसेस भी हमने इसमें डाल देना है। अब मैंने 6 से 7 हरी मिर्चों को चीर कर इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 कप क्रीम डाल रही हूँ यानी मलाई, दूध की मलाई को फेंट कर मैंने इसमें डाल दिया है, इससे मंदी बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इन सभी चीजों के साथ थोड़ी देर पकाइए
और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। चावल के हिसाब से हमें इसमें पानी डाल देना होगा। अब देखिए, हमने इसमें नमक डाल देना है। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए। और फिर मैंने इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल दी। अब इसे उबलने दीजिए, ढक्कन ढाक कर कुछ देर पकाइए ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। अब देखिए, यहाँ मेरे पास 1 किलो यानी 700 ग्राम चावल है। अब मैं ढक्कन हटा दूंगी और ढक्कन हटाकर हम इसमें चावल को धोकर ऐड कर देंगे। पहले चावल डालने से पहले मैंने इसमें से चिकन निकाल देना है। चिकन के सारे पीसेस को आप इसमें से निकाल दीजिए और फिर उसके बाद आप इसमें धोए हुए चावल डाल दीजिए। अब तेज आंच पर इस चावल को पका लीजिए। अब मैंने इसमें 4 नींबू का रस डालना है। मीडियम साइज के 4 नींबू लेंगे हम और इसका रस हम इसमें डाल देंगे और ढक्कन ढक कर कुछ देर पका लेंगे। तो देखिए, ये चावल कितनी अच्छी तरह से पक रहे हैं। तेज आंच पर हम इसे पका रहे हैं। आंच को इस वक्त धीमा ना करिए वरना चावल बहुत नरम हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये दिखने में भी कितना शानदार लग रहा है। अब देखिए, जब पानी सूखने लगेगा तब हम आंच को धीमा कर देंगे और ढक्कन ढाक कर दम दे देंगे। इस पर कुछ वजन रखिए और दम दे दीजिए। एक 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाइए। तब तक हम जो चिकन हमने निकाला था उसे हम फिर से थोड़ा सा फ्राई करेंगे तेज आंच पर ताकि ये ऊपर से इस तरह से ब्राउन हो जाए और बहुत ही अच्छा लगे। तो देखिए, हमने इसे दम दे दिया। अब ढक्कन निकाल लीजिए। देखिए, ये दम हो चुका है। चावल भी काफी खुले खुले पके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन फ्राई किया था उसे इसमें रखेंगे। और फिर सेंटर में हमें जलते हुए कोयले रखना है और इन जलते हुए कोयलों पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि इसका स्मोक सारे मंदी में हो जाए और इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इसीलिए हम इसे स्मोक कर रहे हैं। अब इस पर कुछ वजन रखिए, कुछ देर के लिए दम दे दीजिए और फिर चूल्हा तो बंद कर लीजिए। तो देखिए, हमारी ये मंदी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। नीचे डिश में चावल रखिए, ऊपर से ये चिकन पीसेस रख दीजिए और साथ ही हम इस पर सीख कबाब रख रहे हैं। सीख कबाब की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दी है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से देख लीजिए। तो कहिए कैसी लगी आपको हमें इस ये मंदी। हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।